It's finally here, the Tata Curvv out in the open. Finally, आज हम इसे चला रहे हैं. Pricing आपको पता है, walk around में कर चुका हूँ, तो अंदर बाहर से कैसी लगती है, क्या space है, वो आपको पता है. जो मुझे भी नहीं पता है और जो आपको भी शायद नहीं पता है, वो है कि range कितनी ये आपको offer करेगी. तो हम इसको चलाएंगे आज पूरे दिन. कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा battery consume करें, उतना ज़्यादा realistic हम आपको बता पाएँ. तो वो आज हम पता लगाएंगे. नमस्कार कमगणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी. आप देख रहे हैं ऑटो योगी एंड दिस इज द टाटा कर्व ईवी 55 किलोवाट आवर. ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 95% बैटरी बची है. 400 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है इन द सिटी मोड. जो रीजन लेवल है L1 ये दिखा रहा है, तो रेंज 400 किलोमीटर की. बट जैसे ही L1 चेंज करोगे आप, ये देखिए L2 से L3 पे 416 किलोमीटर, और मोड अगर मैं चेंज करता हूँ इसका इको, तो 431 किलोमीटर की रेंज ही अभी दिखा रहा है 95% बैटरी पे. ऑडो की रीडिंग आप देख ही चुके हो, 1070 किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. ट्रिप को रीसेट कर लेते हैं एक बार के लिए. ट्रिप बी, यस, ट्रिप ए कहाँ गया भैया, ये रहा, यस, दोनों हो गए रीसेट. The idea is to drive it in the eco mode to get the maximum range. एक और अनाउंसमेंट, अब इस चैनल को ICN Studio की जगह AutoYogi बोला जाएगा, because I want to give it a little personal touch. क्यों किया है मैंने इसे? इसके लिए एक शॉर्ट मैंने बनाया है, यहाँ पे कहीं पे लिंक मिल जाएगा आपको. Just click on that and find out. और इससे पहले कि हम रेंज टेस्ट की ओर बढ़े, आपके कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ. कर्व ईवी टाटा के acti.ev प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो कि एसेंशियली इनका एक बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है. और उसके बाद भी व्हील बेस वाइज ये नेक्सॉन के बहुत आसपास है. कर्व का व्हील बेस नेक्सॉन से मात्र 60 मिलीमीटर ज्यादा है. हाँ, कर्व की ओवरऑल लंबाई ज्यादा है एट 4.3 मीटर्स, और उसका मेन फायदा आपको दिखेगा बूट स्पेस में. ये आपको एक बहुत ही स्पेशियस 500 लीटर का स्टोरेज ऑफर करती है. रही बात डिजाइन एलिमेंट्स की, तो सिंस ये एक कूपे स्टाइल्ड एसयूवी है, तो ऑफ कोर्स साइड और रियर से काफी अलग दिखती है कंपेयर टू नेक्सॉन या टाटा की किसी भी एसयूवी से. पर फ्रंट लगभग सेम ही है जो हम टाटा की बहुत सी कार्स में देख चुके हैं. अच्छी बात यह है कि आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 17 जो हमने प्री प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में देखा था. बाकी फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, ऑल LED ट्रीटमेंट्स बोथ एट द फ्रंट एंड रियर इसे प्रीमियम लुक देते हैं. In fact, पेंट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है. टाटा मोटर्स का दावा है कि Curvv EV 70 किलोवाट तक का चार्जिंग सपोर्ट करती है और 10-80% चार्ज करने में मात्र 40 मिनट लेती है. हालांकि वो अभी तक हमने चेक नहीं किया है, बट अगर आप घर पे चार्ज करोगे विद 7.2 किलोवाट वॉल माउंटेड चार्जर, तो इसकी 55 किलोवाट आवर बैटरी को चार्ज करने में इजिली 9 घंटे के आसपास लगेंगे. जहां तक इंटीरियर की बात है, तो वो आपको काफी जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ये डैशबोर्ड का लेआउट, टच स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम टाटा की बहुत सी मॉडर्न कार्स में देख चुके हैं. स्टीयरिंग व्हील भी हैरियर और सफारी जैसी है. अब देखिए, मेरी पर्टिकुलर यूनिट में कुछ एज सच मेजर ग्लिच नहीं आया, पर मीडिया ड्राइव पे आए 2-3 लोगों ने फेस किया. फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट LED DRL कभी एक साइड की काम कर रही थी, कभी नहीं, और उसको फिक्स करने के लिए आपको हैजार्ड लैंप को एक बार चलाना होगा और फिर वापस से पूरी LED स्ट्रिप चलने लगेगी. तो हम उम्मीद करते हैं कि टाटा इन सभी इश्यूज को कर्व की डिलीवरीज शुरू होने से पहले फिक्स कर देगा. बिफोर वी स्टार्ट, हम अपना फोन लगा रहे थे, बट बहुत मुश्किल है एक्चुअली यहाँ पे लगाना, इट्स टू डीप. ऑल्सो मेरा हाथ, आई एम नॉट अ जायंट ऑनेस्टली, बट बहुत मुश्किल है. तो अगर दो वायर्स लगा रहे हो तो आपको एक्चुअली काफी दिक्कत होगी इसमें. Far we have driven only about 8 kilometers, but the idea, ये देख रहे हो नीचे आप एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, ये जो वॉट आर पर किलोमीटर आप देख रहे हो, बेसिकली इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम माइलेज, ज्यादातर माइलेज आपको निकालनी है बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो कोशिश कीजिए दैट ये जो फिगर है इट इज अराउंड 100. और ये पॉसिबल मोस्टली तब हो पाता है जब आप शहर में चला रहे हो. अभी तक हम एक्चुअली शहर में ही चला रहे हैं, सो विच इज अ नाइस थिंग. बट पॉइंट यही है कि अगर आपको एवरेज अच्छा निकालना है या ओवरऑल रेंज ज्यादा अच्छी निकालनी है, तो आपका एवरेज कंजम्पशन जो है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, दैट शुड बी अबाउट 100-120. बट द मोमेंट जब आप हाईवे पे जाओगे, जो कि हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ हाईवे की तरफ, तो जैसे आप वहां जाओगे, वहां पे वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको
जो आपका एक्सेलरेटर है, जो थ्रॉटल इनपुट है, वो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और थ्रॉटल इनपुट का सीधा लेना देना इससे है, क्योंकि आप शहर में जैसे ही एक्सेलरेटर से पांव हटाते हो, और क्योंकि लेवल 3 पे मैंने सेट किया हुआ है रीजेन, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगना, तो वो एनर्जी वहां पे भी सेव होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी कंजम्पशन वहां पे थोड़ा बहुत बचता है, हाईवे पे वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बट क्योंकि एक गाड़ी जिसका क्लेम 500 किलोमीटर है, तो आप उस गाड़ी को हर तरीके के कंडीशन पे चलाओगे, ऑफकोर्स स्पेशली इंटरसिटी ट्रैवल बहुत करोगे, एंड दैट्स द आइडिया, दैट्स द ऑब्जेक्टिव टुडे, कि हम वो चीज टेस्ट करें। बाय द वे, एक चीज जो बहुत ही अच्छी होती है ना इनकी गाड़ियों में, कि अभी जैसे खराब सा रास्ता आ गया है यहाँ पे, यू डोंट फील मच सस्पेंशन सेटअप वाला जो गेम है, राइड क्वालिटी वाला जो गेम है, दीज गाइज हैव एज्ड इट लाइक नोबडी एल्स, एटलीस्ट इन द इंडियन मार्केट फॉर श्योर। बहुत अच्छा ये लोग करते हैं, दे आर एज गुड एज फ्रेंच इफ नॉट बेटर। ऑलराइट, तो पहला पड़ाव 100 किलोमीटर का हमने वो पूरा कर लिया है, 106 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है, रेंज अभी भी 327 किलोमीटर की है, इको मोड, लेवल 3 रीजन, 69% बैटरी बची है। इनफैक्ट जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन आपको जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, पहले 118 के आसपास चल रहा था, 131 हो गया, और हाईवेज पे जनरली होता है व्हेन यू वांट टू ओवरटेक एंड ऑल ऑफ दैट, 100 के आसपास स्पीड अप रखते हो, सडन एक्सेलरेशन डीसेलरेशन सब चीजें होती हैं, उसकी वजह से आपको वो करना पड़ता है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, जैसे कि कई महानुभाव हैं वो ये भी बोलेंगे कि मैं तो नेक्सॉन से 450 किलोमीटर निकाल लेता हूँ, आई एम श्योर आप 1000 किलोमीटर भी निकाल पाओगे, बट इंसान जब चलाते हैं तो वो उसी तरीके से चलाते हैं कि मेरे को टाइमली अपने घर भी पहुंचना है, एक शहर से दूसरे शहर टाइमली पहुंचना भी है, तो फिर ये जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं एवरेज एनर्जी कंजम्पशन वैसे नजर आएंगे, और आई थिंक मोस्ट लोगों के इसी बॉल पार्क फिगर के आसपास होंगे। इस हाईवे पे हम 80 से 100 के बीच में स्पीड्स रख रहे हैं, सो दैट्स व्हाट इट इज, आई थिंक सो फार नो प्रॉब्लम। अगेन एवरेज स्पीड वही 80, मतलब एवरेज स्पीड के हाईवे पे जो स्पीड रही है वो 80-90 के आसपास रही है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आपको दिख ही रहा है, तो ठीक ठाक डिस्टेंस हमने अभी तक कवर कर लिया है। आई एम प्लानिंग कि और ये कुछ और ज़्यादा नीचे लेवल पे आ जाए, 95% पे हमने शुरू किया था बैटरी जो थी तब, अभी 43 आ गया है, तो फिगर आउट करते हैं कि क्या करेंगे और कितने तक लास्ट मोमेंट तक हम चला पाएंगे, और फिर फाइनली बात करेंगे। किलोमीटर्स डन, 29% बैटरी अभी भी बची है। अब ओवरऑल जो गाड़ी के बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, ठीक है, कि सस्पेंशंस जो हैं दे आर फैंटास्टिक, दे ऑलवेज डू, मतलब ये टाटा मोटर्स वाले बहुत अच्छा करते हैं सस्पेंशंस को। स्टेयरिंग व्हील जो है वो भी एक्चुअली बहुत इन्वॉल्विंग लगती है इनकी सभी गाड़ियों में, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों में, और वैसी सी ही इसकी स्टेयरिंग भी है। जैसे मैंने बोला था कि कुछ कुछ बीच में इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, देयर आर टू मेनी इंस्ट्रक्शंस दैट कीप कमिंग इन फॉर सम रैंडम रीजंस, वो थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी होती है। ऑल्सो ये टच सेंसिटिविटी वाले जो सारे जैसे हैज़ार्ड लैंप मेरे को लगाना है, तो मेरे को अपने आईज को हटाना पड़ता है यू नो रोड से, और फिर उसके बाद में वो यूज़ करना पड़ता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट
कभी कभी क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एकदम कंजेस्टेड रोड पे आ रहे हो, जैसे कि यू नो उदयपुर में कई जगह मिलती है, तो 360 डिग्री अगर आपको यूज़ करना हो कभी कभी, तो उस वक्त आपको आइज़ वापस हटानी पड़ेगी जबकि आप ट्रैफिक में हो, 360 आप उन कंडीशन में भी यूज़ करते हो। तो ये थोड़ा टच वाली थोड़ी चीज़ें ठीक कर देते। स्टेयरिंग व्हील में एक चीज़ अच्छी की है कि इस बार जो डिस्टेंस है बेसिकली, जो एक शिकायत रही थी हमारी नेक्सॉन के केस में, आई थिंक वो स्टेयरिंग व्हील भी इससे थोड़ा छोटा है, ये हैरियर वाला है, तो वो जो बार बार टच हो जाते थे बटन, वो इस बार टच नहीं हो रहे हैं, ईजिली हमारा थंब भी आ रहा है, एक बार भी वो गलती नहीं किया, सो गुड जॉब देयर। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है गाड़ी का वो ठीक है, स्पेशली फ्रंट सीट्स में अच्छा है, और बहुत ज़्यादा नेक्सॉन की आपको याद दिलाएगा, क्योंकि जो फ्रंट सीट्स है वो एग्जैक्टली सेम है जो नेक्सॉन वाली है, रियर सीट्स जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है जो कि नेक्सॉन वाली है, इनफैक्ट व्हील बेस भी जो है मात्र 60 mm या 50 से 60 mm का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो स्पेस भी जो है बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट हेडरूम जो है वो भी मुझे तो दोनों का, नेक्सॉन का या हो इसका हो, लगभग सेम लगा, इनफैक्ट नेक्सॉन थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्सी है आई थिंक, या फिर इट्स जस्ट माई परसेप्शन, बट मोर लेस दोनों सेम लगी मुझे, आज मैं नेक्सॉन में भी बैठ के देखा हूँ तो उस टाइम पर भी मुझे ऐसा ही लगा। और जो कूपे एसयूवीज की एक दिक्कत होती है कि पीछे जो आपका विंडशील्ड है वो ऐसा ड्रॉप हो रहा है और उस वजह से क्लियरली पीछे विजिबल नहीं होता, और अगर दो लोग पीछे बैठे हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, वो दिक्कत तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे फील होगी, जो कि इन्हीं की बाकी गाड़ियों में नहीं होती है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ कूपे दैट इज़ अ गिवन थिंग, आपको ऑफकोर्स वो चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एवरी कूपे इज सिमिलर इन दैट सेंस, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कार, बट ओवरऑल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रेंज वाइज भी पहली बार इशॉन्स लगा कि इनकी किसी गाड़ी के अंदर मैं एक शहर से दूसरे शहर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शिकायत के इजीली जा सकता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा मुझे। अब फाइनल बात कर लेते हैं कि क्या कुछ ओवरऑल मुझे इस गाड़ी के बारे में अच्छा लगा और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। ऑलराइट, सो द फाइनल नंबर्स, 265 किलोमीटर हम कर चुके हैं, 94 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची है, और इसे अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब लगभग 360 किलोमीटर आपको ऑफर कर देगी। एंड इफ़ यू सी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन दैट इज़ 143 वॉट आर पर किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि मैंने इसे रफ एंड टफ तरीके से चलाया है, जो जनरली मतलब मेरे चलाने का तरीका है ऑनेस्टली, कि मेरे को ओवरटेक करना है तो वहाँ पर मैं ओवरटेक करता हूँ, शहर में जिस तरीके से गाड़ी चलती है उस हिसाब से गाड़ी चली है। बट इफ़ यू आर समबडी जो ज़्यादा तमीज़ से चला पाता है गाड़ी को, जो ज़्यादा ढंग से चला पाता है, बहुत ही लाइट फुटेडनेस से चला पाता है, तो डेफिनेटली उनके लिए रेंज 400 किलोमीटर की आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ईजिली आप 400 किलोमीटर से ज़्यादा ले सकते हो। बात यह है कि मैं इसे अपने तरीके से चलाना चाहता था और उसके बाद में क्या रेंज निकलती है वो देखना चाहता था, क्योंकि वो जो एनर्जी कंजम्पशन आपको वॉट आर पर किलोमीटर में दिखती है, दैट इज़ योर पैरामीटर, इफ़ यू कैन कीप इट अराउंड 110, 115 मैक्सिमम, तो आप इजीली 425 कर लोगे, 430 भी कर लोगे, बट अगर आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा रफ एंड टफ चलाते हो, मेरे जैसे चलाते हो, तो उस केस में भी आप इजीली एक शहर से दूसरे शहर तो जा सकते हो। तो ये तो रेंज की बात होगी, और जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें अच्छी लगी, मतलब बिग पॉजिटिव बिग नेगेटिव्स, मैं अपने फर्स्ट लुक वीडियो में बता चुका हूँ, बट अभी अभी के लिए अर्गोनॉमिकली कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट होनी चाहिए थी, अभी भी वो टच पैनल जो है इट इज़ स्टिल टू कन्फ्यूजिंग, कई बार आपको आंखें हटानी पड़ती है, 360 डिग्री कैमरा, आप जैसे आप शहर में जा रहे हो, कंजेस्टेड रोड है, उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है 360 डिग्री कैमरा की, दबाया आंख आपको हटानी पड़ेगी ट्रैफिक से, दैट इज़ इरिटेटिंग। इवन द हैजार्ड लैम्प, अ बेसिक फीचर, वो कई बार काम करता है कई बार नहीं काम करता है, बहुत बेसिक फीचर है, उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत थी कि एक प्रॉपर फिजिकल बटन दे दो। आई नो क्लीन डिज़ाइन ऑल ऑफ दैट, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट बॉस जो फंक्शनैलिटी है, जो एक फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा यूजबल है और ऑलमोस्ट एक सेफ्टी फीचर जैसा हो सकता है, उसके लिए आप ये सब ना करो, उसको थोड़ा अर्गोनॉमिकली सॉर्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा टाटा की जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज आती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इश्यूज आती हैं, उनको भी दूर करने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं इनकी ईवीज़ में, वो ग्लिचेज़ हैं, कई बार कुछ वार्निंग्स आती रहती हैं, कभी कुछ वार्निंग्स आती रहती हैं, उनको दूर करना एक फिनेस दिया जा सकता है। इस गाड़ी में कंपैरेटिवली काफ़ी इंप्रूव्ड हुआ है पुरानी गाड़ियों से, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, बट एडास लेवल 2 आने के बाद में देर आर टन्स ऑफ स्टफ दैट कीप ऑन हैपनिंग और आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया है। तो ओवरऑल एक अच्छा अटैम्प्ट है,
स्पेस के मामले में नेक्सॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नेक्सॉन ईवी से इट इज़ मोर और लेस द सेम टू बी ऑनेस्ट, बट इफ़ यू नीड अ बिगर बूट, इफ़ यू नीड समथिंग दैट लुक्स मोर स्टाइलिश देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. जितने भी लोग आज हमें रोड पे मिले हैं सबको गाड़ी पसंद आई, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर कलर, नाडो ग्रे या ग्रे कलर जो भी है उसमें बहुत अच्छी लगी है. तो रेंज अच्छी है जिसको एक्चुअली इंटरसिटी किया जा सकता है. कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिनको दूर किया जा सकता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इशू हैं जिनको दूर किया जा सकता है, बट ओवरऑल एक एज अ प्रोडक्ट काफ़ी इम्प्रूव्ड लग रहा है ओवर प्रीवियस टाटा प्रोडक्ट्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. अगर कोई सवाल है जो कि रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको प्रॉपरली जानना है कि स्पेस में क्या नेगेटिविटी है, बाकी चीज़ों में क्या नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, तो फिर मेरा फर्स्ट लुक वीडियो पक्का देख लेना, यहाँ पर उसका लिंक आ जाएगा. Thank you so much people for watching this video.